ST का पैनल है, ये मॉडल नंबर है इसका। और बेसिकली क्या था, इसके अंदर ना म्यूट आ रहा था। तो जैसा कि हम लेजर पे चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ स्पार्क हो रहा था काफ़ी फास्टली, जो ऊपर जाते हैं ऐसे। और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर दी यहाँ से। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ लिटिल सा स्पार्क हो रहा था, यहाँ से भी कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद फिर जब हम अंदर सर्किट में गए, जैसे हमने चेक किया इसको कि अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या था कि कुछ जो स्विचिंग बॉक्स हैं जो हमारे ड्राइव से मतलब इसमें जा रहे हैं, पिक्सल्स में जा रहे हैं, यहाँ पर वो भी ड्राई हो रहे थे ये वाले। तो अब इनको भी हमने, ये जैसे देख रहे हो यहाँ पर स्विचिंग कर दिया इसको, मतलब रिशोल्डर कर। ओके, देखते हैं ज़रा। ये हमारा ST का पैनल है, ये ST वाला 4K वाला है, जो भी लेजर पे हमने रिपेयर किया है। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या रही थी पहले? ब्लैंक डिस्प्ले था पूरा, पूरा मतलब पूरा म्यूट पैनल था। म्यूट था, जैसे अगर आप हाफ में ऑन कर रहे हैं तो हाफ में किसी साइड डिस्प्ले बन रही थी नहीं, इसकी? हाफ में भी नहीं आ रहा था हाफ में भी नहीं आ रहा था, तो मतलब कोई डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं बन रही थी इसके कुछ अंदर। भी, कुछ नहीं। अच्छा, तो इसमें फिर क्या मतलब प्रॉब्लम निकला आपने मतलब? इसमें जब चेक करना मैंने लेजर मशीन पे, तो इनके अंदर सोडिंग था, पूरा जला हुआ था जला हुआ दोनों था साइड। दोनों साइड से। जी, अच्छा, जैसे रिपेयर कर दिया है, तो रिपेयर करने के बाद अब ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पूरा फुल ओके हो गया दोनों कोई साइड। स्कैनिंग लाइन बार बार कुछ आ रहा है इसके कोई कोई अंदर?